केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद खेल महाकुंभ 8 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। इस बार खेल महाकुंभ में महिला खिलाड़ी भी अपना दम दिखाएंगे। सांसद खेल महाकुंभ के लिए पंजीकरण 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण निःशुल्क रहेगा। यह बात सांसद खेल महाकुंभ के सह संयोजक नरेंद्र अत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को 50 लाख के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने व खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में देश में अपनी तरह के पहले खेल महाकुंभ आयोजन एक बार फिर से होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में खेल महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खेल महाकुंभ 8 दिसंबर 2021 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्र के सम्माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उनकी जो अतुल्य पहल सांसद खेल महाकुंभ है, वो एक बार फिर से 8 दिसंबर से शुरू होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक मंडल स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सांसद खेल महाकुंभ में 60,000 से अधिक युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और अब जब इसकी रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर से शुरू हो रही है 3 दिसंबर तक, तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार भी संसदीय क्षेत्र का नौजवान युवा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर आएगा। और जैसा कि अनुराग जी का उद्देश्य है कि राष्ट्र युवा जो है इस देश की धरोहर हैं, उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए जहां खेल आवश्यक हैं, वहीं उसके साथ साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को किस तरह मंच देकर उनकी प्रतिभा को उभारा जाए, निखारा जाए, ताकि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश, अपने गाँव का नाम रोशन कर सकें, उसी तर्ज पर यह प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल व फुटबॉल कुल 6 खेलें इसमें रहेंगी। और मंडल स्तर पर जो विजेता टीम होगी, वही टीम जो है पार्लियामेंट स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेगी। कुल 50 लाख का नगद पुरस्कार इस सांसद खेल महाकुंभ में युवा प्रतिभाओं के बीच में बंटेगा। प्रयास है कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जो बेटियां हैं, जो युवतियां हैं, उनको प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। जैसा कि आपने देखा ही है, आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की कई युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिभा केवल लड़कों में ही है। तो उसी तर्ज पर श्री अनुराग ठाकुर जी ने यह तय किया है कि ग्रामीण स्तर पर हमारे जो नौजवानों के साथ साथ जो युवतियां हैं, बेटियां हैं, उनको भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। उसी तर्ज पर यह प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में युवतियां भी भाग लें। अत्री ने बताया कि खेल महाकुंभ में विजेता टीमों को 50 लाख रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1 लाख की इनामी राशि दी जाएगी, उपविजेता को 51,000 तथा तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 31,000, जबकि चौथे नंबर पर रहने वाली टीम को 21,000 की इनामी राशि दी जाएगी। सांसद खेल महाकुंभ में जो संसदीय क्षेत्र के भाग हैं, हमीरपुर जिला, बिलासपुर जिला, जिला ऊना, हमारा जिला मंडी का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, और संगठनात्मक जिला देहरा, जसवां, प्रागपुर, इसमें भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जो है 1 लाख रुपया जो पार्लियामेंट लेवल पे चैंपियन टीम होगी, 51,000 जो सेकंड प्राइज, 31,000 थर्ड प्राइज, और 21,000 रुपया जो है जो सेकंड रनर उसमें रहेगा, उनको रहने वाला है। अन्य खेलों में 51,000 प्रथम पुरस्कार, 31,000 रुपया सेकंड पुरस्कार, 21,000 का थर्ड और 21,000 का फोर्थ प्राइज इसमें रहेगा। शुल्क जो है क्रिकेट में 500 रुपया लड़कों के वर्ग में, युवाओं के वर्ग में, और युवतियों के वर्ग में कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। और अन्य खेलों में केवल 200 रुपया इसमें शुल्क रहेगा, और एथलेटिक्स में मात्र 10 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस इसमें रहने वाली है। और इस प्रतियोगिता के बारे में मैं आप सबके माध्यम से ये भी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि अनुराग जी का जो प्रयास अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को मंच प्रदान करने का खेल के क्षेत्र में रहा है, आज पूरे राष्ट्र भर में उस प्रयास की सराहना हो रही है। और देश के अन्य सांसद भी
सांसद खेल महाकुंभ अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में आयोजित कर रहे हैं, और हाल ही में उत्तर प्रदेश के 80 संसदीय क्षेत्रों में ये सांसद खेल महाकुंभ जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास श्री अनुराग ठाकुर जी का रहा है, और इससे पहले भी अनुराग जी ने युवा मोर्चा के समय में देश के युवाओं को सफलतम नेतृत्व दिया था, और अब श्री अनुराग ठाकुर जी का जो खेलों के क्षेत्र में अनुभव है उसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अन्य युवाओं को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले आयोजित हुए खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल गतिविधियों में 60,000 युवाओं ने भाग लिया था। कोरोना काल के चलते 2 साल तक संसद खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन अब 8 दिसंबर से इसका आयोजन किया जा रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।